गंगापुर क्या यार कैसे जान गए, मैं गंगापुर ही बोलने वाली हूँ। मैं जान नहीं गया। हाँ मेरे भी मन में मैंने बोल दिया तो मैं आ गई हूँ। ने आपको प्रीवियस ब्लॉग देख के आपको समझ तो आ ही गया है मेरा घर। हाय किसी की नजर न लगे कितना क्यूट लग रहा है, घर भी क्यूट लगता है हैंडसम नहीं लग रहा है स्मार्ट लग रहा है तो मेरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। ये है मेरा घर, छोटू सा प्यारा सा जो भी है यार मेरा घर। सच बता रही हूँ, मुझे तो मेरा घर गाँव में सबसे ज्यादा सुंदर अपना ही घर लगता है। मैं पूरा गाँव आपका घूम ली हूँ। अच्छा वो चित्रकूट से लाया झंडा ना? हाँ वो चित्रकूट से ले आए थे, हमारी पसंद है तो रात में आपको दिखाएंगे। पूरा झालर लग गई है, इतना खूबसूरत लग रहा है। दीप आए थे बाग में, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वीडियो हमने लगा दिया था तो हमने दीप को बोला खड़ा हूँ नहीं ये वीडियो सच में हमने रात में 8 बजे लगाया हुआ है पोस्टिंग पे। कौन सा वीडियो है आप लोग शायद देख लिए होंगे, ये है छोटी दीपावली जो हम लोग लखनऊ में सेलिब्रेट किए थे, ये तो थे नहीं। और आज है बड़ी दीपावली, आज दीपावली है तो दीप यहीं बाग में लेके खड़े। दीपावली हाँ अभी सिर्फ 90% हुआ है, 8 बजे रात से है, 21 मिनट का वीडियो, आप लोग सोच लीजिए कितना टाइम लगता है। तो हमने इनको कॉल किया कहाँ हो आप, तो बोले बाग में हूँ। मैंने कहा मैं आ जाऊं, तो कह रहे हैं आ जाओ बाग। क्या यार आके देख रही हूँ बाग में कुछ है ही नहीं, सब उजड़ गया। चलो एक बार आपको उजड़े समझो मेरी बगिया दिखा दूं। एक टाइम था ये बाग इतनी घनी थी ना, इतनी घनी थी कि शाम को कोई हाँ जब मैं आई थी तभी की मैं बात कर रही हूँ, शाम में कोई इधर नहीं आता था, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत घनी बाग थी। और अभी आम था, सफेदा का पेड़ था यहाँ पर, कई सफेदा पेड़ था यहाँ पर। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी ही बोलूंगी ना। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी सासू मम्मी लगाई थी ये नींबू का पेड़, इसमें बहुत ज्यादा नींबू लगता है, बहुत ज्यादा। और ये बेल है, और ये मेरे बड़े जेठ जी का है, मतलब मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे का है। और एक आम का पेड़ है, बाकी कुछ भी बाग में नहीं बचा है। तो एक वो है वहां पर देखो, वो भी बड़े पापा का ही है, आंवला पेड़, आंवले का दिख रहा है कि नहीं से आप लोगों को, देखो दिख रहा है वो, देख ए है आंवला का पेड़। तो ये बड़े पापा का ही है। इसमें आलू लगे हैं। मैं तो कब से बोल रही हूँ यार कि बाग में थोड़ी बहुत, मतलब खेत में थोड़ी बहुत बागवानी कर लो, तो बस यार कुछ भी नहीं रह गया इस बाग में। चलो मिलती हूँ आप सबसे कुछ देर बाद, बाय। सो फ्रेंड्स चलो जुट जाते हैं किचन ड्यूटी में। जैसा कि आप सभी को पता है दीपावली के दिन ढेर सारे पकवान बनते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं खीर से। सॉरी आने के बाद टाइम बिल्कुल नहीं बचा था कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बात कर पाती, कैमरा लगा दिया, रिकॉर्ड हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, कढ़ाई में रख दिया घी। घी जब तक गर्म हो रहा है हमने हमारा चावल धुल लिया। वैसे तो इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं, लेकिन भाभी ने कहा कि आप ऐसे ही बना दो, तो हम भी कहे चलो ठीक है। तो इस चावल को आपको तब तक भुनना है जब तक ये डार्क ब्राउन कलर में ना हो जाए। जब डार्क ब्राउन कलर में हो जाए तो आपको चावल निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं चावल भून रही हूँ। अच्छा कैसी लग रही है मेरी साड़ी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूँगी। इस साड़ी को मैंने मंगाया था मीशो से, तो इस साड़ी में मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए, दूध उबल गया तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ चावल। और आपको मलाई वाली दूध ही लेना है, नहीं तो फिर खीर उतनी अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसमें फिर हम ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं, आपने देख ही लिया क्या क्या है। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, इसके बाद चीनी आप अपने फैमिली के हिसाब से, इनको मीठा पसंद है कम मीठा पसंद है उसके हिसाब से डाल दीजिए। इसके बाद पका दीजिए जब तक ये थिक ना हो जाए। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी थिक हो गया है। अच्छा मैंने इसमें वो डाल दिया था, भूल गई आप लोगों, अच्छा दिखाया तो ना ड्राई फ्रूट्स के साथ इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था। अब दूसरे साइड में हम क्या कर रहे हैं, कचौड़ी तल रहे हैं। तो कचौड़ी किस चीज़ की बनी थी मैं आपको बता दूँ, कोहड़ौरी एंड उड़द दाल की कचौड़ी थी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई थी, तो इसलिए रेसिपी नहीं शेयर करी, बस ऐसे ही छानते टाइम दिखा दिया कि बना था। अगर आप लोग देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, फिर से शेयर करूँ तो ज़रूर कर दूँगी। और इसके बाद अब बननी है सूरन की रसादार सब्जी। तो सूरन की सब्जी सबसे पहले आपको सूरन अच्छे से काट लेना है, धुल लेना है, इसके बाद उसको डीप फ्राई करना है। तो हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बच गए हैं 2, आप देख सकते हो। अब हम करने चल रहे हैं लंच। लंच में क्या बना है आपने देख ही लिया, अभी सिर्फ खीर बनी है और कचौड़ी बनी है। सूरन मैंने डाल दिया है छानने के लिए, भैया बोले कि जाओ कुछ खा लो,
हमें भूख लगी थी बहुत देर से, सुबह से कुछ नहीं खाया। वैसे सब लोग खा लिए, एक बार सुबह पोहा बन गया था, लेकिन हमें पोहा पसंद नहीं है तो हम नहीं खाए, तो इसलिए भैया बोले जाओ खा लो, हम छान ले रहे हैं। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। पहले ही पहुँच के कह रहे हैं देखो कैसे बनाई। चीख के बतावा कैसन वाह। हमारी बनी खीर कोई काट नहीं सकता। तो जेठ जी ने बोला कि जाओ एक काम करो, कचौड़ी बन गई, खीर बन गई, जाओ खा लो, हम यहाँ पर तब तक जो कचौड़ी बची है छान दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम खा के आ गए हाथ पैर धुल के। अब इसके बाद हम पूड़ी छान रहे हैं, क्योंकि कचौड़ी ऑलरेडी छान दी गई थी। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी सिर्फ छान के सूरन रख दिया था हमने। सब्जी के लिए टमाटर पीसा, इसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज ये सब लेना है। देखो छान के रखा हुआ है। तो अब चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने तेल रखा, तेल जैसे ही गर्म हो गया, अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। इसके बाद हम डाल दे रहे हैं लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट, पेस्ट नहीं है, दरदरा खूना गया है, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सूरन की सब्जी में। देखो सब अलग अलग हिसाब से बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। हमारे यहाँ एक ही तरीके से नहीं, आपने कई बार देखा है, कई बार सूरन उबाल के बनता है, उसमें इमली उमली डाल के पल्प डाल के, कई बार सूरन छान के बनता है, तो अलग अलग तरीके से बनता है। इन सबको डाल के आपको अच्छे से भुनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज हमारा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं। हम पीस के टमाटर नहीं डाले हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि हमारी सब्जी का जो ग्रेवी है थोड़ा सा थीक हो और थोड़ा सा टेस्टी लगे। अगर पीस के डाल देते हो ना तो लगता है कि यार सब कुछ मतलब मिला मिला सा अजीब सा स्वाद आता है। एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा। इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। इसके बाद इसमें क्या डाल रहे हैं हम, आप देख ही सकते हो, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इसके बाद सब्जी मसाला, इसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर, यही सब कुछ करके आपको डालना है ताकि सूरन की सब्जी गर ना काटे। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, किसी को कम मसाला खाना पसंद होता है, किसी को ज़्यादा, तो आपको जैसे पसंद हो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद इसे तब तक भुनना है जब तक कढ़ाई के किनारे किनारे से ऑयल ना निकलने लगे। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई के किनारे किनारे से तेल निकल रहा है, तो इसमें हम डाल दिए हैं सूरन। इसको अच्छे से फ्राई करना है तब जब तक मसाले इसमें मिल ना जाए। इसके बाद आपको पानी अपनी फैमिली के हिसाब से डाल देना है। तो हमने डाल दिया, रसादार सब्जी है तो सीधी सी बात है गीली रहेगी। इसको अच्छे से पकाना है, जब थोड़ा सा उबाल आ जाए तब इसमें आप नमक डालें। काफ़ी सारे लोग वैसे ही नमक डाल देते हैं, काफ़ी सारे लोग डालते हैं जब उबाल आ जाती है, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। आप एक बार बनाइएगा मेरे मेथड से और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसे आपको पकाते रहना ऐसे खुली आँच पर कुछ देर, इसके बाद ढक के पकाएँ जब तक कि थिक ना हो जाए। तो बस ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब शाम हो गई है तो चलो सारी तैयारियां की जाए। यहाँ पर ये जो पताका आप देख रहे हो फहरा रहा है, ये है हमने चित्रकूट से लिया हुआ था जब पापा को गया जी लेके गए थे। तो यहाँ पर रंगोली बन रही है, रंगोली वही हम स्टिकर लेके आए थे लखनऊ से, तो वही हमने चिपका दिया। इसके बाद मिट्टी के जो दिए हैं वो जलाए जा रहे हैं, अभी पूजा नहीं की जा रही, अभी ऐसे ही जलाया जा रहा है। शाम हो गई है, भाभी ने कहा कि रख दो। यहाँ पर नेहा ने जो हम लेके आए थे लखनऊ से उसकी हेल्प से यहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। अगर आपने ये नहीं देखा कि मैंने लखनऊ में होली कैसे दीपावली कैसे सेलिब्रेट करी तो जाके देख लीजिएगा, होली याद आ रही। वाह, तो मेरा घर भी काफ़ी अच्छी तरीके से सज गया है। पिछली दीपावली हम लोगों की कैसी थी, इस दीपावली आप देख लीजिए, देखते देखते पूरा घर ही चेंज हो गया हमारा, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, कठपुतली वाले दीपक लखनऊ से हम लेके आए थे, यहाँ पर मोमबत्ती लगा दी जा रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हूँ भाभी भैया, यहाँ पर इतने कीड़े देखो, देख रहे हो अब सब कीड़े हैं, एक अगर कीड़ा छू देना तो हालत ख़राब हो जानी है, वो छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब घर को सजा रहे हैं, और जो आप देख रहे हो धान है ढक के रखा हुआ है, कट के आ गया है। तो यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी हुई है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था। गांव में हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क इशू भी है। यहाँ नीचे भी आप देख रहे हो सब धान ही है, तो मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। भाभी भैया नीचे वाला छत सजा रहे हैं और मैं दीप बच्चे मिलके वाला छत, क्योंकि बड़ा वाला छत बड़ा है और नीचे वाला छोटा सा है। तो अभी मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा घर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखते ही देखते कितनी सारी चेंजिंग हो गई है ना, कितने सारे चेंजेस आ गए घर में। पहले घर कैसा था मेरा, लेकिन सच बताओ मुझे अच्छा लगता है। मैंने वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शुरू से शेयर की हुई है, आप सभी ने देखा हुआ है। हमें वहाँ से यहाँ तक
जो हमारा सफ़र है आप सभी ने देखा हुआ है, और इस चीज़ की मुझे खुशी भी होती है कि हम कम से कम वीडियो शेयर करते थे, अभी हमारे चैनल पे हम जाके हमारे वो दिन भी देख सकते हैं। तो चलो अब पूजा करने की बारी आ गई है, तो पूजा वाले रूम में नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर उतने सारे लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, तो पूजा इस रूम में हो रही है हमारे बेडरूम में। यहाँ भी इसे कुछ इस तरीके से सजा दिया गया है, तो हम भाभी दोनों जन मिल के सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो अभी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर भी मैंने स्पीड बढ़ा दी हुई है, काफ़ी अच्छे अच्छे हमने रील्स बनाए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। बच्चे यहाँ पर दीपक चला रहे हैं, तो चलो अब आरती की बारी आ गई है, आरती हो जाती है फिर आप सभी से मिलेंगे। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली, भाभी ने पूजा कर ली, चंदन लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर दीप को मैंने लगाया, बाकी भाभी सबको लगा देंगी, भैया को, पापा को, इसके बाद फिर आरती होगी। सो फ्रेंड्स, गणेश जी लक्ष्मी माता की आरती होने के बाद हम लोग यहाँ पर पैर छू रहे हैं बड़ों का, तो रिकॉर्डिंग नेहा ने की हुई थी। अच्छा, लक्ष्मी माता की रिकॉर्डिंग आरती वाला मैंने ऐसे कैमरे में लगा दिया था, तो पता नहीं कैसे कैमरा अपने आप बंद हो गया, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बस उतनी ही थी, मैंने उतना ही लगा दिया, सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर मैं पैर छू रही हूँ, देव बोल रहे हैं भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो मैंने कहा सेम टू यू। तो यहाँ पर भाभी भैया सबके पैर छू रहे हैं,
अब यहाँ पर नेहा रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं उनका भी पैर छू रही थी, देखो उन्होंने उसका भी रिकॉर्ड कर लिया, दीप ने भी उनका पैर छुआ था सब रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पर भाभी और नेहा मिलके कार की पूजा कर रही हैं, भाभी ही करती हैं कार की पूजा, घर की पूजा, कहीं की भी पूजा हो भाभी ही करती हैं। अच्छा इस बार हम लोग हम नहीं गए थे वहाँ बाबा जी को दिया जलाने, पिछली बार गए थे तो आप लोग वो ब्लॉग जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर पटाखे हम लोग फोड़ रहे हैं, ये देखो फर्स्ट टाइम मैंने पटाखे फोड़े हुए हैं, बहुत छोटी थी तब मैंने पटाखे फोड़े थे, उस जल गई थी उस टाइम मैं, तब से मैंने पटाखे बंद ही कर दिए थे। बाबू देखो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, छुड़छुड़ी लेके खड़ा है कि मम्मा आप फुलझड़ी जलाओ। तो यहाँ पर बस हो गया मेरा, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं, देखो बाबू भी खूब इंजॉय किया। सही बात है फैमिली के साथ यार सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 10, हम जा रहे हैं करने डिनर, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, सबने डिनर कर लिया हुआ है, थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है सुबह से, आपने देख लिया कितना ज़्यादा काम था, थैंक गॉड। लंच जो है बहुत लेट बना था, बनते बनते 3:30 बज गया था, क्योंकि शाम को हम लोगों के यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों के यहाँ सबके यहाँ शाम को ही किया जाता होगा, तो शाम को नहीं बनाना होता कुछ, आज दाल चावल भी साथ में ही बन गया था, नहीं तो शाम में दाल चावल बनाना होता था लेकिन आज नहीं बनाना पड़ा क्योंकि साथ में ही बना लिया गया था। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करने और ब्लॉग करूँगी एंड। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस टाइम हम लोग खूब इन्जॉय किए, क्यों नदीप, बहुत मज़ा आया। सो दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।